नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेज में। आज हम आपको गुजरात के कच्छ के इतिहास और वहां पर देखने लायक जगहों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कच्छ को प्राचीन सिंधु संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। माना जाता है कि सन 1270 में कच्छ एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1815 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया, क्योंकि रजवाड़े के रूप में कच्छ के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश सत्ता स्वीकार कर ली थी। गुजरात घूमने आए हैं और कच्छ का दौरा नहीं किया तो समझिएगा कि आपकी गुजरात की यात्रा अधूरी रह गई। एक समय भूकंप के चलते बर्बाद हो चुका कच्छ अपने पैरों पर खड़ा है और बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ राज्य पर्यटक विभाग की ओर से हर वर्ष कच्छ महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते कच्छ महोत्सव की शुरुआत की थी, जिससे इस इलाके में पर्यटन व्यवसाय को जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ हुआ और क्षेत्र का विकास भी हुआ। गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ का जिला मुख्यालय भुज है। कच्छ का अधिकांश हिस्सा रेतीला है। जखाऊ, कांडला और मुंद्रा यहाँ के मुख्य बंदरगाह है। कच्छ जिले के अन्य ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें, मंदिर और हिल स्टेशन आदि पर्यटन स्थलों को देखा जा सकता है। कच्छ को प्राचीन सिंधु संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। माना जाता है कि सन 1270 में कच्छ एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1815 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया, क्योंकि रजवाड़े के रूप में कच्छ के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश सत्ता स्वीकार कर ली थी। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो तत्कालीन महागुजरात राज्य का एक जिला बना कच्छ। कच्छ की यात्रा देखिए कैसे आगे बढ़ती है। महागुजरात से लेकर सन 1950 में कच्छ भारत का एक राज्य बना। 1 नवंबर सन 1956 को यह मुंबई राज्य के अंतर्गत आया। सन 1960 में भाषा के आधार पर मुंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन हो गया तथा कच्छ गुजरात का हिस्सा बन गया। कच्छ को देखने लायक कई स्थान हैं, जिसमें कच्छ का सफ़ेद रण आजकल पर्यटकों को लुभा रहा है। इसके अलावा मांडवी समुद्र तट भी समुद्र आकर्षण है। भुज में कच्छ के महाराजा का आईना महल, प्राग महल, शरद बाग पैलेस एवं हमीरसर तालाब मुख्य आकर्षण है तथा मांडवी में स्थित विजय विलास पैलेस जो समुद्र तट पर स्थित है वह भी देखने लायक है। भद्रेश्वर जैन तीर्थ तथा काटेश्वर में महादेव का मंदिर और नारायण सरोवर जो पवित्र सरोवरों में से एक है वो भी घूमने लायक है। अब हम आपको धोलावीरा के बारे में बताते हैं। जिला मुख्यालय भुज से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित धोलावीरा यह बात साबित करता है कि एक जमाने में हड़प्पा संस्कृति यहाँ पर फली फूली थी। यह संस्कृति 2900 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेषों को यहाँ पर देखा जा सकता है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। अब हम आपको कच्छ के मांडवी बीच के बारे में बताते हैं। भुज से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित यह बीच गुजरात के सबसे आकर्षक बीचों में से एक माना जाता है। दूर दूर फैले नीले पानी को देखना और यहाँ की रेत पर टहलना पर्यटकों को खूब भाता है। साथ ही अनेक प्रकार के जल पक्षियों को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा यहाँ से बड़ा आकर्षण प्रतीत करता है। अब हम आपको कांडला बंदरगाह के बारे में बताते हैं। यह राष्ट्रीय बंदरगाह देश के 11 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। यह बंदरगाह कांडला नदी पर बना हुआ है। इस बंदरगाह को महाराज श्री खेड़नगर जी तृतीय और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से 19वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। और यहाँ पर लोग देश विदेश पे घूमने आते हैं और यहाँ के मौसम और रेगिस्तान का लुत्फ उठाते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और आप भी किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस जगह का वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।